हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो नई दिन की नई शुरुआत के साथ मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। तो उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से। बाकी आज ना कोहरा लगा है और हल्की हल्की धूप भी आ रही है, लेकिन आज काफ़ी ठंडा हो रहा है, हाथों में काफ़ी ठंड लग रही है। तो मॉर्निंग के टाइम में तो छोटा मोटा काम ही रहता है। बाकी अभी हमारा नाश्ता टाइम चल रहा है, अभी दूध गर्म हो रहा है, दूध पीते हम। बाकी अक्षित तो आज आएगा, अक्षित आज यहीं है फिलहाल। और अभी हस्बैंड जी आ गए हैं मंदिर से, तो मंदिर में काम था। बाकी अब हमारा दूध गर्म हो गया है, नाश्ते में तो हम लोग दूध ही पीते हैं। और नाश्ते में ना सब्ज़ी भी बन रही है, आज सब्जी बना रहे हैं हमारे भैया, सब्जी आज भैया बना रहे हैं। और आज बना रहे हैं हम बड़ी की सब्ज़ी। भैया ने यहाँ पहले ट्राई कर ली थी बड़ी, हम भैया बनाएंगे सब्जी और हम लोग पियेंगे। तो दोस्तों हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है, अभी तो हल्का फुल्का नाश्ता हुआ है दूध पी के। बाकी ना अभी हम अपने अपने कामों में लगे हैं। बाकी भी देवरानी जी और मैं ही हैं घर में, हस्बैंड जी, भैया, मम्मी और अंजू, अक्षित भी चले गए, सब खेत में गए हैं। क्योंकि दोस्तों अब आता है बुआई का टाइम, तो हमारे यहाँ गेहूँ और सरसों बोते हैं, तो अभी तो गेहूँ और सरसों की फसल होती है, तो उसी को बोने का टाइम होता है। तो हम भी बो रहे हैं, वैसे तो पहले जैसा अनाज अब हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारे भैंसों के लिए थोड़ा हरी घास ज़रूर हो जाती है। अगर गेहूँ ना भी हो तो घास के लिए हो जाता है, तो इसीलिए हम अपने खेतों में बुआई करते हैं। फिर जब अगली बारी बोने का टाइम आता है ना मरुआ, तो तब तक थोड़ा खेत हमारे सही रहते हैं, ये फ़ायदा ज़रूर होता है अभी बुआई करके। तो इसीलिए हस्बैंड जी और भैया लोग चले गए हैं। वैसे तो हमारे भैया लोग आज जा रहे थे, लेकिन आजकल ना रोड ख़राब हुई है, तो उसकी वजह से आज उनका जाना कैंसिल हो गया है। तो इसीलिए उनके घर रहने पे हम ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब दिवाली तो ख़त्म हो गई है, तो अपना मेन काम भी ज़रूरी हुआ, तो भैया लोग चले गए हैं। बाकी मैं और देवरानी जी घर का काम कर रहे हैं। अभी तो हमने गोबर वगैरह सब निकाल लिया है, तो अभी बकरी खोल के मैं भी जाऊँगी, वहीं जाएँगे जहाँ हल जोत रहे हैं। फिलहाल हम अपना घर का सारा काम कर लेते हैं। और आज पानी भी नहीं आया है, लास्ट बारी है, और बर्तन हमारे ना सारे खाली है, भरेंगे कि भी नहीं पता नहीं। फिलहाल तो सब्जी भी तैयार है, हमारे भैया बना के गई है, तब हम करते हैं काम। हमारी सब्जी तैयार है बड़ी की, अभी हम टेस्ट करेंगे थोड़ा। आलू आलू निकाल लेते हैं अपने लिए। तो अंजू आ गए हैं खेत से, बाकी अभी मैं और देवरानी जी नाश्ता करते हैं। देवरानी जी को दवाई खानी है और मैं जाऊंगी बकरियों को लेके, तो इसलिए नाश्ता करके जाते हैं। लीजिए अभी बारी है खेत में जाने की, नाश्ता कर लिया है, तो मैं जाने वाली हूँ चाय लेके। चाय पियेंगे, नाश्ता तो घर आके करेंगे शायद। चल अब मैंने लेके जानी है बकरियाँ, एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अभी अंजू आएंगे पहुँचाने थोड़ा नीचे तक। ये हमारा झूड़ा चाय वाला, फंस गया तुम्हारा दुपट्टा इसमें, इसमें लेके। अब लेके चलेंगे अपना बैग चाय वाला, थकान दूर जरूर करेगी ये चाय। अब अंजू लोग पानी भरेंगे, अभी पानी भी आ गया है। हमारी बकरियों ने पीछे से लगाई है मेरे दौड़, तीन बकरियां अभी गुड़ गोभी लाने लगे हम। आ जा अभी मैं चलती हूँ। बाकी हम ना डासी में बो रहे हैं, अभी वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और हम ना मलसर में ही गेहूँ बोते हैं, कलसर में तो नहीं होते वैसे भी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सिमार वाले खेत नहीं है ना। वो अभी चलती हूँ बकरियों को लेके। बकरियों ने पीछे पीछे दौड़ लगाई है, सुबह स्टार्टिंग में आने का नहीं कर रहे थे, अभी इधर को उनको डर लगती है ना। आ गुड्डू हम पहुंच गए हैं दोस्तों खेत में, इनके लिए चाय लेके आए हैं हम लोग। यहाँ हल जोतने में लगे हैं अभी भैया जोत रहे, अभी यहाँ रेस्ट चल रहा है। कितने खेत कर लिए आपने? दो, तीसरा है। तीसरा खेत है। गुनो, आजा, 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 आजा। सही हो रहा, आजा, आजा, पानी है। पानी यहाँ है हमारे, सब बैठे हैं हम, चार लोग रेस्ट वाले हैं। मम्मी के बोना मशहूर सब। हाँ अपना सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, आज से हमने शुरुआत कर ली है। ये तुम आइए, यहाँ भी हस्बैंड जी कर रहे हैं ड्यूटी अपनी। हमारे सिमार वाले खेत में तो काफ़ी गीली मिट्टी हुई है इसकी, तो पानी यहाँ सूख गया है। बड़,
कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये आप ही के हाथों का काम हुआ फिर। यहाँ भैया लोगों की हुई है लौकी, ये तोड़ रहे हैं देखो तुम्हें। इसमें आपके काफी हो गए हैं वैसे लौकी। देखो सार में ऐसा फायदा होता है इनकी, खूब लौकी हो गई है इस बार। इसमें इसमें से तो 4-5 खाई ली है इन्होंने। ये तोड़ी तुम्हारी एक सब्जी फिर हो गई है आपकी। तुमड़ी तुमड़ी साग खाइए तुमड़ी का। यहाँ पे तो हमारे भी खेत और हैं आगे, दो ऊपर वाले फाइनल हो गए हैं टासी वाले। इस वाले खेत की बारी है। मम्मी यहाँ खेतों में डाल रहे हैं कीटनाशक दवाई। इस बार ना वैसे पिछले साल से इतने कुरमू होने लगे हैं कि फसल होने ही नहीं दे रहे कुरमू, तो इस बार हम देखते हैं पहले से दवाई डालते हैं कुछ असर होता है या नहीं। ये हमारे डाशी वाला खेत है, दोनों खेत हमारे, ये खेत सबसे पहले फाइनल कर लिए हैं। बाकी मम्मी डालेंगे इसमें दवाई। इतने कुरमू हो गए हैं ना कि फसल बिल्कुल नहीं हो रही है, और इस बार दवाई डाल के देखते हैं कुछ फ़र्क होता है या नहीं। बाकी अब पियेंगे चाय। अभी चाय टाइम है हमारी, गुड़ वाली चाय लो। गुड़ लीजिए, गुड़ वाली चाय एंजॉय कीजिए। अक्षय नहीं पीने, हम भी यहाँ चाय एंजॉय करते हैं। खूब एनर्जी के साथ लगे हैं यहाँ पे दोनों। अभी बारी है हमारे भैया की चाय पीने के बाद। बंजर जमीन क्या कहो? आज मेरी बंजर जमीन में उपजाऊ बनाने जा रहा हूँ, इसमें बोऊंगा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा ने। मम्मी ने इसमें बोले हैं गेहूँ। नहीं, इसमें बोले मूंगफली। यहाँ पे अनकानी कर दी है, वहाँ से खुल के आगे है वो। खेत भी कंप्लीट नहीं हुआ है। काफी टाइम बाद हल जोत रहे हैं ना, तो बैल काफी परेशान कर रहे हैं। आज फर्स्ट दिन है उनका, आनकानी कर रहे, लेकिन रुक गए हैं वो भैया के साथ। भैया लोगों का ही बैल हुआ। अभी पहुंच गए हम लोग दूसरे खेत में, वैसे तो चौथा खेत है। और इस वाले खेत में इतना पानी है ना, देखो यहाँ पानी पानी भरा है, तो यहाँ हल जोतना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ को पानी नहीं हुआ है वहीं हल जोतेंगे, बाकी पानी के साइड तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। पानी पानी है अभी तक, यहाँ पूरे असोज भर पानी रहा है। अभी यहाँ मेरी मम्मी लग गए हैं खुदाई में, किनारे किनारे से मम्मी कर रहे हैं। यहाँ बैल नहीं आ रहे इधर तक, इधर ना पानी पानी हुआ है सिमार, तो इसीलिए अब इसमें ना कूल भी बनाना है पानी के लिए। मम्मी की यहाँ आफत निकल गई है। मम्मी यहाँ निकाल रहे हैं कुल, कुल बना रहे। देखो इसमें इतना पानी है ना, बाप रे। असोज से पहले से यहाँ पानी भरा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ के खेत फाइनल कर लिए हैं डाशी वाले, बाकी सभी गाय ना इधर को ही हैं। आज देखो तो हमारे बैल भी इनके साथ मिल गए हैं। 5 खेत हैं यहाँ पे, 5 के 5 खेत फाइनल। अभी बज गए हैं दिन के 12:30, और यहाँ डाशी वाले खेत हमारे फाइनल हो गए हैं। तो यहाँ पे 5 खेत लगातार है ना, तो यहाँ का काम ख़त्म करके अब चलते हैं हम घर को। बाकी हल जोतना अब कल होगा, आज का इतना काफ़ी है। वैसे मलसर में हल जोतते हैं,
अब हम लोग चलेंगे घर को। बाप रे, बकरी अभी से ही चल लिए हैं सुबह से, इनको भी साथ में लेके जाएंगे अब। और बैल हमने खोल लिए हैं, चलेंगे। तो दोस्तों खेतों से आके अभी अभी हमने नाश्ता किया था, और अभी ना हमारा सीधे दिन का खाना बनने लगा है। तो अब दिन के खाने की तैयारी चल रही है। तो हम पहले बनाने वाले थे भटकी चुटकानी, लेकिन एक मिनट में ना पूरा प्लान चेंज हो गया। अब डुबके में पहुंच गए हैं, मतलब चुटकानी बनने वाली थी, कढ़ाई में तेल भी रख लिया था, वैसे ही ना आइडिया बदल गया है भैया लोगों का। अब बनाने वाले हैं हम भटके डुबके। तो घर में आके उनको ऐसी चीज़ें खाने को अच्छा लगता है, मतलब जो पहाड़ी हो एकदम। वैसे तो सब कुछ ही वैसे ही खाते हैं हम चुटकानी डुबके, बट अभी हमारे बनने वाले हैं भटके डुबके। और आज हम ना भैया के हाथों के डुबके खाने वाले हैं। तो भैया ही बना रहे हैं, हमारे चूल्हे में आग जला दी है, अभी बनाएंगे हम लोग। अंजू रख रहे हैं चावल, आज डुबके खाएंगे हम। आज हमारे भैया बना रहे हैं भटके डुबके। धूप में बनाना कैसा लग रहा है? बहुत है गर्मी। आज हम भैया के हाथों की डुबके खाने वाले हैं। सुबह इन्हीं के हाथों की सब्जी थी, बहुत टेस्टी हुई थी। हाँ, जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी टेस्टी। अभी आज भटके डुबके खाने वाले हैं हम। अचानक से प्लान कैसे बदला आपका? हमें अच्छे लगते हैं भटके डुबके खाना। दोस्तों अभी हम लोग खाते हैं अब खाना। आज भटके डुबके हैं भैया के हाथों के। अब खाएंगे हम डुबके। चलो अच्छे खा रहे हैं। अक्षित अभी तैयार हो रहा है खाना खाने के बाद, अब जा रहे हैं अक्षित आज। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है, और ना आज अक्षित जा रहा है, तो अक्षित के जाने की तैयारी हो रही है। वैसे वो दो चार दिन रहता, बट उसके ना पेपर हैं, तो कल उसका पेपर है, इसीलिए वो आज जा रहा है। तो भी हस्बैंड जी उसको पहुंचाने जाएंगे, तो भी शाम के टाइम में जाएगा वो। अब उसके भी जाने का टाइम आ गया है घर को। अक्षित हो गया तैयार। ये 14 तारीख को, 14 तारीख कब आ रहे हैं अक्षय? डॉल खुश रहो, हैं कब आ रहे हैं आप? चलो हाँ, टीका चंदन किया जा रहा है, लगाओ लगाओ हम चल। अक्षित को पहुँचाने जा रहे हैं हस्बैंड जी। चलो फिर आप चलो, अक्षित चलो, बाय 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 से बोला मैंने। चलो अक्षित को पहुँचाने जा रहे हैं। तो दोस्तों भाई भी चले गए हैं, बाकी आज वो भी चले गया कल था। घर में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, गधोली वाले भी आए थे और अक्षित भी आया था, तो था अच्छा लग रहा था। बट कल सभी चले गए थे, अक्षित था तो तब भी अच्छा लग रहा था जब घर में कोई भी रहता है। तो अभी वो भी चले गया है, अभी आएगा अब वो नेक्स्ट टाइम। पेपर है ना तब जल्दी चले गया, वरना दो चार दिन रह भी सकता था, क्योंकि अभी भैया लोग ही हैं ना। बाकी हम लोग भी अब जाएंगे घास को, अक्षित को भी जाना ही हुआ, तो अब मैं और अंजू जाएंगे घास को। हमारी रोज की ड्यूटी है घास को जाने वाली, तो हम चल देते हैं अपनी ड्यूटी की ओर। हमने भी अपनी रोज़ की ड्यूटी करनी है अभी। आजकल तो सही है, खिलाने वाली घास के लिए ही जाते हैं, बस चल देंगे। आज हमारे बन रहे हैं दोस्तों यहाँ कोफ्ते, हस्बैंड जी बना रहे हैं पकौड़ी। हाँ फिर पकौड़ी, पहले पकौड़ी बनाएंगे फिर सब्जी। मैं यहाँ हूँ इनकी हेल्पर, पहले तो हम अपने खाने के लिए बनाते हैं। अरे इसको चाखो नमक के हिसाब से। अभी हमारी आ गई है यहाँ पे चाय, चाय पकौड़ा है अभी हमारा, ये देखो चाय के साथ पकौड़े तो हम खाएंगे। बाकी यहाँ बनाए जा रहे हैं कोफ्ते, तो ये देखो ये रहे कोफ्ते, कोफ्ते ये रहे, और हमारे खाने के लिए पकौड़े ये हैं। कौन किसका लाना ये टॉर्च के लिए? हाँ देखो टेस्ट कैसे हो रहे, अभी दोनों जने मिल के बना रहे हैं। अंजू और हम अलग टाइप के बनाते हैं, ये थोड़ा अलग स्टाइल के बना रहे हैं।